नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उसे नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। एमपी उपचुनाव में बयानबाजी, शिवराज ने ली चुटकी। दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। जवाब में कमलनाथ बोले, जो दागदार है वो हमेशा रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति के विरोध का मामला, इकबाल मैदान में प्रदर्शन पर शिवराज ने नाराजगी के बाद प्रज्ञा भी भड़की। आइटम वाले बयान पर एक्शन, इलेक्शन कमीशन ने कमलनाथ को स्टार प्रचारक का दर्जा छीना। प्रचार में खर्च पार्टी नहीं, कैंडिडेट के खाते से जुड़ेगा। एमपी में प्रचार का अंतिम दौर, मुरैना में शिवराज का रोड शो। कहा, जात पात भूल जाओ और मामा को मजबूत करो। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। बोले, कमलनाथ सबसे बड़ा अहंकारी कोई नहीं। एमपी उपचुनाव से पहले बीजेपी को झटका, प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह लोधी कोरोना संक्रमित। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। मध्यप्रदेश उपचुनाव को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। इसको लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ पर हमला बोला है और कमलनाथ ने भी सीएम पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा आपको दिखाते हैं। हताशा और निराशा का प्रतीक है, लेकिन उनका अहंकार नहीं जा रहा। उनकी नजरों में बाकी सब गलत है। उनकी नजरों में उनके नेता राहुल गांधी भी गलत है, उन्हें कोई समझा देता है। उनकी नजरों में चुनाव आयोग गलत है। उनकी नजरों में कर्मचारी अधिकारी गलत है, तो सही कौन है। कमलनाथ जी धमकाने वाली भाषा में बात करते हैं, अधिकारियों को देख लूंगा, कर्मचारियों से निपट लूंगा। क्या निपटोगे? सबसे बड़ी जनता होती है और कर्मचारी और अधिकारियों का भी आत्मसम्मान होता है। ये धमकाना चमकाना बंद करो। मध्य प्रदेश प्रेम की भाषा जानता है। अब चुनाव आयोग ने भी किया तो बदले की भावना से किया। संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाते हुए आपको लज्जा नहीं आती? लेकिन वो आरोप लगा रहे हैं आप पे कि बीजेपी हार से हताश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, उनका दर्द है। सत्ता चली गई और सत्ता भी कोई जनकल्याण और विकास के लिए उनके पास नहीं थी। मध्य प्रदेश को लूटने के लिए उन्होंने सत्ता अपने पास रखी थी। मध्य प्रदेश को दलालों की मंडी बना दिया था उन्होंने, और इसलिए आज ये दुर्दिन उनको देखने पड़े। कम से कम अब तो समझे। ना कोई कद है ना कोई पद है। मैं चुनाव आयोग के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। 10 तारीख के बाद हम करेंगे, क्योंकि जनता अंत में सबसे ऊंची है। राजनीति में, चुनावों में, जो मैंने अपने जीवन में इतने चुनाव देखे, इतने चुनाव लड़े, प्रदेश में और देश में लड़े हैं, लड़वाए हैं, मैं जानता हूँ क्या परिस्थिति होती है विरोधी दल की। एक तो स्थिति होती है जब वे हार रहे हैं, एक तो स्थिति होती है जब वो पिट रहे हैं। तब जब पिट रहे होते हैं तब प्रशासन का उपयोग करो, पुलिस का उपयोग करो, इस प्रकार के उपयोग करना शुरू करती है, शराब का, पैसे का। मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, मुझे पूरा भरोसा है कि मध्य प्रदेश के मतदाता और ये 28 सीटों के मतदाता मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे प्रजातंत्र, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे। किस प्रकार ये सौदे की सरकार, ये बिकाऊ की सरकार बनी है, और जनता ये समझती है, ये पूरी बात समझ रही है और इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मैं तो जा रहा हूँ, अभी मैं आगर जा रहा हूँ, हटपेपलिया जा रहा हूँ। कल भी जाएंगे? मैं कल भी जाऊँगा, उसमें कोई रोक रुकावट थोड़ी नहीं बढ़ते। मतदान को क्या लगता है, संवेदनशील सीटों पर भी वोट होना है? जनता पार्टी का पूरा प्रयास चल रहा है, तड़प रहे हैं कि अब प्रश्न हारने का नहीं है। अब तो प्रश्न हर सीट में कितने से हारेंगे वो प्रश्न केवल बचा है। आज 31 अक्टूबर को मैं स्वर्गीय इंदिरा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब मैं छोटा सा था
तब से इंदिरा जी से मेरा संपर्क था, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा और आज बहुत सारी बातें जो मुझे कहती थी मेरे कानों में गूंजती हैं। मलवा विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले ग्राम मदकोट में कांग्रेस प्रत्याशी विपिन बानखड़े के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आए राजस्थान सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा सरकार एवं शिवराज सिंह चौहान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नेता बिकाऊ हो सकते हैं परंतु देश के मतदाता बिकाऊ नहीं है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। तो रोजगार की बात करते हैं, किसी को बेरोजगार करने की बात नहीं करते, तो आप चिंता मत करिएगा। अतिथि शिक्षक, आज तो हमें मौके ढूंढने कैसे रोजगार, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है इनको हटाओ, इसको अगर इनको तनख्वाह मिलती है तो ये क्या करते है? ये जाके बाजार में कुछ खरीदते हैं, परिवार की सेवा करते हैं, बाजार में व्यापार चलता है, आर्थिक गतिविधि बनती है और इसी आर्थिक गतिविधि से हमारा हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। गत दिवस प्रदेश के पूर्व वन मंत्री उमंग सिंघवार ने भाजपा ज्वाइन करने के लिए आए ऑफर पर दिए बयान पर प्रदेश राजनीति में हलचल में पैदा हो गई है। दरअसल कल इस बयान के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ऑफर देने वाले नाम को सार्वजनिक करने के लिए कहा था। इस पर तारतम्य आज उमंग सिंघार ने इस बात का खुलासा किया कि उन्हें भाजपा के आने के लिए ज्योतिराज सिंधिया ने 50 करोड़ रुपए देने का और मंत्री पद नवाजे जाने की बात कही थी। श्री सिंघार ने यह भी कहा कि मैंने उस समय सिंधिया जी को कहा था कि मेरे पास सिद्धांत महत्वपूर्ण है, पद प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कांग्रेस की हवा देख रही, बी प्लान पे काम चालू कर दिया है, उन्होंने की कैसे विधायक और खरीद फरोख्त पर लग गई है। लेकिन मैं मेरी बात करना चाहता हूं कि जब भाजपा सरकार बनी, कई विधायक बेंगलोर गए, उस समय सिंधिया जी से बात हुई। सिंधिया जी ने कहा है कि कांग्रेस में आपके कोई भविष्य नहीं है, आपका आपको भी जो आपकी आर्थिक स्थिति है उसको लेके हम भी आपको कर देते 50 करोड़ की व्यवस्था, मेरी भाजपा में बात हो गई है और आपको मंत्री पद दे देते। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पहुंचा चुनाव आयोग, जहां उन्होंने कमलनाथ की शिकायत की और उन्हें निर्वाचन आयोग से उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में बैन किया था। उसके बावजूद वह आज हाटपलिया आगर में जाकर प्रचार प्रसार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें स्टार प्रचारक के लिए हेलीकॉप्टर दिया गया था, उस पर भी उन्होंने प्रयोग किया। दिग्विजय सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि क्या दिग्विजय सिंह बताएंगे निर्वाचन आयोग को या बताएंगे कि किसे को बैन करना और किसको नहीं। जब आप कुछ भी बोलेंगे, जब आपको यह हिदायत दी गई है कि इससे अधिक आप किसी को भी, केवल एक पार्टी नहीं, सबको कहा गया है कि इससे आपकी सीमा रेखा है, इसके बाहर आप नहीं जाएंगे। जब आप कोई कार्रवाई ऐसे करेंगे, आप ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आप दलित महिला का अपमान करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का मजाक उड़ाएंगे, तो निर्वाचन आयोग में हमने शिकायत की और शिकायत को संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन आयोग ने कार्रवाई की। उस कार्रवाई के लिए अब दिग्विजय सिंह जी ये कहेंगे कि किसको अधिकार है अथवा नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग, जब आप कुछ भी बोलेंगे, जब आपको ये उपचुनाव के आखिरी पड़ाव पर आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भिंड मेहगांव विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन देने के बाद भूचाल आ गया। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भानु गुर्जर ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये बड़ी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, क्योंकि जो भी प्रत्याशी रहे हैं समाजवादी पार्टी के, जो भी प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी के, तो उन्हें अगर ऐसी कोई धमकी आई है तो सबसे पहले उन्हें जाकर पुलिस कंप्लेंट करानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि पत्रकार साथियों के साथ बैठकर केवल आरोप लगाना। दूसरा बात, मैंने किसी से सुना है कि उन्हों अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसका नाम खोले ना कि किसने उन्हें धमकी दी।
कहां पर किस तरह की धमकी दी, उस तरह का अगर फोन पे दिए तो फोन की रिकॉर्डिंग होगी उनके पास में। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की लहर से विचलित हो गई है, घबरा गई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरी तरह आभास हो गया है कि हम बुरी तरह हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में निराश होकर के हर तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। सत्ता का भी दुरुपयोग करने की कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। और उस भारतीय जनता पार्टी कोई पसंद नहीं करता। समाजवादी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने वाले भान प्रताप सिंह गुर्जर, हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, सचिन पायलट जी राजस्थान उप मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका व्यक्तित्व महान है। जब जज जी मेरे पास आए तो मैंने 188 करोड़ के विकास कार्यों को स्वीकृत कर दिए थे, लेकिन ये अभी भी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये बातें आज सडोरा में भाजपा प्रत्याशी जसपाल सिंह जज्जी के समर्थन में चुनावी आमसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी बहन बेटी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोल सकता जैसे कमलनाथ ने इमरती देवी के लिए बोले, और राहुल गांधी तक ने इसे खेद जताया, लेकिन कमलनाथ जी ठहरे सेठ, उन्हें नहीं है कोई खेद। निर्वाचन आयोग ने भी उनसे कहा कि फिर भी नहीं माने, अब उनसे स्टार प्रचारक का दर्जा भी छीन लिया गया है। कहने को तो भुडूसा बहुजाति बसवाट के राजमार्ग में बसा जागरूक जनता गांव है, जहां पर विकास की विलुप्तता में भ्रष्टाचार की विफलता को कूट कूट कर समाई है। फिर भी चाहे गांव की सीसी सड़कें हों अथवा शौचालय, सब अपनी अपनी कहानी खुद बता रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कहने को तो भूड़सा बहुजातीय बसावट और राजमार्ग पर बसा जागरूक जनता का गांव है, जहां विकास की विपुलता में भ्रष्टाचार की विफलता कूट कूट कर समाई है। पर चाहे गांव की सीसी सड़कें हों या शौचालय, सब अपनी कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। जहां शौचालय से दरवाजा और सीट सबके सब गायब हैं। साल 6 महीने पहले बनी सड़कों में कुछ बचा है तो सिर्फ धूल और गिट्टी, जहाँ नंगे पैर चलना मुश्किल है। सड़क बनाई तो सुविधा के लिए गई थी, किंतु अब वही सड़क ग्रामीणों के लिए समस्या बन गई है। पंचायत के प्रयोजन अंतिम और आखिरी हिस्से के उत्थान और विकास के विपरीत कैसे काम करता है, इसका सर्वांगीण साक्ष्य आपको भूड़सा में देखने को मिल जाएगा, जहां आंगनवाड़ी भवन निर्माण उपरांत शिकायत मिलने पर एक वरिष्ठ अधिकारी के आने पर पिलर नसीब होता है, वरना सचिव सरपंच कार्यपालन मंत्री की कारगुजारी में बिना पिलर बीम के भवन खड़ा दिखाई देता है। लेकिन वक्त रहते जागी जनता ने इसकी शिकायत कर दी और निर्माण उपरांत आंगनवाड़ी भवन में दीवार के बाहर से पिलर खड़े कर दिए गए, जो आज भी दिखाई देते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सभी उच्च अधिकारियों को शिकायत पत्र देकर अवगत कराया जा चुका है व तमाम विकास के कार्यों की गुणवत्ता संबंधी जांच कराए जाने की भी मांग रखी है, लेकिन एक माला के मोती होने के नाते संबंधित अधिकारियों ने रोजगार सहायक व संबंधित कार्य एजेंसी पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की। कटनी से के न्यूज के लिए राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। उज्जैन के सिंधी कॉलोनी के समीप संत नगर में 3 युवकों पर आधा दर्जन बदमाशों ने अचानक हमला कर दिया। आरोपियों ने 3 युवकों पर ताबड़तोड़ चाकू से कई बार किया हमला करने वाले के बाद आरोपी मौके से भाग निकले। गंभीर रूप से घायल 3 युवकों में से 1 युवक की निजी अस्पताल के बाहर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते घायल ने दम तोड़ दिया। अचानक हुए घटनाक्रम से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि घटना के संबंध में प्रारंभिक जाँच सामने आई है, फिलहाल पुलिस इस मामले को जाँच कर रही है। पहले एक जो संत नगर टर्निंग है उसके पास में लड़कों में आपस में ऐसा लगता है घटनास्थल देखे कि दारू पी है, उसके बाद में कोई विवाद हुआ है और उस विवाद में चाकू लगे हैं और इसमें 3 लोग मतलब जिसमें घायल हुए हैं, जिसमें मोनू, राहुल और एक उसका और साथी है, जिसमें अभी जो सूचना मिली है कि मोनू की डेथ हुई है और जो राहुल और उसका साथी है वो भी उसको भी घायल है। रतलाम के जवारा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि एक गर्भवती महिला का ब्लड ग्रुप एक निजी जैन पैथोलॉजी लैब पर जांच करवाया गया तो बी निगेटिव था, तो उसकी महिला को जवारा सरकारी अस्पताल में जांच करवाया तो बी पॉजिटिव आ गया।
अब इससे आप क्या कहेंगे, गलती कहाँ है, चूक खैर अपने अपने बचाव में दूसरे अपने अपने तरीके से तर्क जरूर देंगे, मगर इसका अंजाम क्या हो सकता है इसकी तुलना कोई नहीं करेगा। ये इस घटना पर इस सिस्टम में कई सुधार आएगा। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए के न्यूज़ के संवाददाता जावरा बीएली डॉक्टर के दीपक पलड़िया के पास पहुंचे और डॉक्टर पलड़िया ने इस बात को स्वीकार करते हुए बताया कि महिला की रिपोर्ट दो प्रकार की आई है। उसमें क्या है कि मतलब पहले हमने डी पॉजिटिव दे रखा है उनको, हाँ, और रिपोर्ट भी दे रखी है, और कल मतलब आईपीडी के हिसाब से मतलब अपन चेकिंग करते हैं वापिस, हाँ, एज भी करते हैं, उनका ब्लड ग्रुप करते हैं, हाँ, अगर नेगेटिव आता है तो, हाँ, तो उसमें डी पॉजिटिव आ रहा, तीन बार रिपीट कर लिया अपन ने, हाँ, कल भी कर लिया मैंने, हाँ, तीन बार रिपीट करा अपना एक टेक्नीशियन है महिला अस्पताल में, उसमें तीन बार रिपीट करा, बी पॉजिटिव आया जी सर। तो हम तो कुछ जानते नहीं, हमने जो वहाँ पे रिपोर्ट निकाली उन्होंने भी नेगेटिव निकाल के दी, और सरकारी हॉस्पिटल में जो निकलाई है वो बी पॉजिटिव आई है। अच्छा, इसके बारे में हम जानते कुछ नहीं है। अच्छा, अनपढ़ है ना। अच्छा, तो ये जो बी नेगेटिव बताई है ये प्राइवेट लैब है? यस प्राइवेट है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घंटों रियाज करना पड़ता है एक ब्लॉकबस्टर गाना बनाने के लिए, लेकिन डेंगू जैसी बीमारी को हराने के लिए हमें बस 10 मिनट निकालने हैं। एक सिंपल सा काम करना है, दिल्ली सरकार द्वारा डेंगू के खिलाफ चलाए जा रहे कैंपेन को फॉलो करें। हर संडे सुबह 10 बजे 10 मिनट का टाइम निकालकर अपने घर और आसपास में चेकिंग करें कि कहीं साफ पानी जमा तो नहीं, और अगर है तो उसे उढ़ेल दें। बदल दें या उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। वैसे 10 मिनट में मेरे दो गाने सुनते हुए भी आप ये काम कर सकते हैं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट हर रविवार डेंगू पर वार। खुदी को आजमाया तो ये अंदाज आया, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं खबरों का। मुरैना के जोरा में कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने जोरा विधानसभा कांग्रेस प्रत्याशी पंकज उपाध्याय के कार्यकर्ता से मारपीट कर थाने में बंद कर दिया था, जिसके बाद कांग्रेसियों ने पुलिस स्टेशन के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। मंडला जिले के 6 साल के बाद ब्रेड गेज रेल पहुंची है, जिसके लिए यहां पर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैटरी से चलने वाली ट्रॉली में बैठकर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया, और इसके बाद चिराई डोंगरी से मंडला फोर्ट रेलवे स्टेशन तक निरीक्षण ट्रेन पहुंची। इस दौरान रेलवे के DRM, CRM, ARM सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा रेलवे पटरी का मैनेजमेंट, लेन को साथ ही बनाए रखने, छोटे बड़े ब्रिज की जाँच और इसका निरीक्षण कर बारीकी उसे इसका रिपोर्ट तैयार की है और रेलवे विभाग को दी जाएगी, जिसके बाद चिराई डोंगरी तक आने वाली ट्रेन को मंडला फोर्ट तक बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद लोगों को यात्री गाड़ी की सुविधा मिल सके।
का निरीक्षण चिराई डोंगरी से मांडला फोर्ट तक के जो ट्रैक जो गेज कन्वर्जन हुआ है, आप लोग जानते ही हैं पहले जो नैरो गेज था अभी ब्रॉड गेज किया गया है, तो इसी का निरीक्षण था ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू से। सामान्य तौर पे सब ठीक पाया गया है और मेजरमेंट सब रिकॉर्ड किए गए हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठी करके फिर इसका जो भी ऑथराइजेशन एक दिया जाता है रेलवे को, अगर सारी चीज़ें सही हैं तो उसके बेसिस पे फिर रेलवे इसमें गाड़ी चलाने का प्रबंध करेगा। श्री दिगंबर जैन प्राचीन मंदिर चंदेरी संगीत में अभिषेक शांति धारा पूजन अर्चना 36वीं विधान बड़े हर्ष से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर जानकारी देते हुए मुनि सेवा समिति के प्रवक्ता समयक जैन ने बताया कि आचार्य श्री जी संगीतमय पूजन एवं विधान का आयोजन किया गया। श्री दिगंबर जैन का पुराना मंदिर है। इस महाआयोजन में समस्त जैन समाज के पुरुष महिलाओं एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक अपनी उपस्थिति प्रदान की। उपचुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के दिग्गज चुनावी जनसभा कर रहे हैं, वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने उपचुनाव को लेकर क्या कुछ कहा और कांग्रेस पर फिर हमला बोला है, आपको दिखाते हैं। मानते हैं कि बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, वो मानते हैं कि उनका इमरती देवी जी को आइटम कहना सच है, मतलब एक महिला को ऐसे निम्न शब्दों के आधार पर उनका चरित्र हनन करना, ये सही किया उन्होंने। वो आज भी उसी पर अड़क है, दलित महिला के ऊपर इन शब्दों का इस्तेमाल किया, वो कह रहे हैं वो सही है। तो अब जनता निर्णय लेगी और 3 तारीख को इस अहंकार का जवाब जनता जरूर उनको देगी। सर कल बिल्कुल सही वक्तव्य आपने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस अब एक राजनीतिक दल नहीं बची, कांग्रेस एक ज्योतिषी पार्टी बन गई है। कोई कह रहा है 28 में से 28, कोई कह रहा है 22 28 में से 22, कोई कह रहा है 28 में से 16। हम केवल एक चीज़ कह रहे हैं कि हम जनता की सेवा के नहीं निकले हैं, जनता की सेवा का एजेंडा है हमारा, जनता का विकास, जनता की प्रगति और जनता के प्रति संवेदनशीलता की भावना। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का अहंकार नहीं, लेकिन जनता के नौकर के रूप में ये सरकार काम करेगी। ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस। जिस पार्टी में 30 साल मेरे पूज्य पिताजी ने सेवा की अपने जीवन के अंतिम सांसों तक, और जिस पार्टी में 20 साल मैंने सेवा की, 50 साल तो ये लोग चुप थे, अब इनके मुंह खुल रहे हैं। तो दोगला कौन है और गिरगिट की तरह अपना रंग कौन बदल रहा है, ये जनता देख रही है। और जो भी प्रहार इनको करना है करें, मध्य प्रदेश की जनता और क्षेत्र की जनता सिंधिया परिवार को अच्छी तरह से जानती है, और मैं सलाह दूँ अगर मेरी हैसियत है सलाह देने की, तो एक ही सलाह मैं दूंगा कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी जरा इतिहास दोबारा पढ़ लें। व्यक्ति ने स्वयं ऐसे निम्न शब्दों का इस्तेमाल किया है एक महिला के प्रति और एक अनुसूचित जाति महिला के प्रति, और उस दर्ज में चुनाव आयोग ने उनसे पहले स्पष्टीकरण मांगा, और स्पष्टीकरण के बाद जब सफाई न हुई तब उसके बाद उनसे एक्शन, उन पर एक्शन लिया गया। और अब वो व्यक्ति ये कह रहा है कि दूसरी पार्टी पिट रही है, मुझे तो आश्चर्य है कमलनाथ जी पर। पहले वक्तव्य देते हैं, फिर उनके पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उनको माफी मंगवाते हैं, तब भी माफी मांगने की तैयार नहीं है। ईसी एक्शन लेती है तभी भी माफी नहीं मांगते, और मुझे विश्वास है 3 तारीख को जनता उनसे माफी मंगवाएगी, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।